यूएस पर्सनालिटी। यहाँ पे पर्सन के दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी पर्सनालिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी पर्सनालिटी। प्राइमरी पर्सनालिटी मीन्स एग्जैक्टली क्या? जब हम बातें करते हैं किसी से भी या कोई पर्सन हमें आके मिलता है तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये पर्सन किस तरह का है, इसकी सोच कैसे है, ये सॉफ्ट स्पोकन है या थोड़ा रिजिड है या टॉकेटिव है। जो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी पर्सन के बारे में, हम उस इंप्रेशन को प्राइमरी पर्सनालिटी बोल सकते हैं। यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशंस या कम्युनिकेशन वाली जो पर्सनालिटी रहती है उस पर्सनालिटी को हम प्राइमरी पर्सनालिटी कहते हैं। सेकेंडरी पर्सनालिटी एग्जैक्टली कौन सी पर्सनालिटी है? जब आप कोई शांति से बैठे हो या खुद के बारे में कुछ सोच रहे हो, खुद की गोल सेटिंग कर रहे हो, यानी आप इंट्रो हो, खुद से ही बातें कर रहे हो, तो उस वक्त जो पर्सनालिटी नजर आती है, आप फील करते हो, उसे हम सेकेंडरी पर्सनालिटी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सनालिटी दोनों ही पर्सनालिटी उस पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। सबसे ज्यादा वेटेज हमें उसके प्राइमरी पर्सनालिटीज में मिलता है, लेकिन उसके खुद के गोल या खुद के प्लानिंग के लिए वो सेकेंडरी पर्सनालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में बोलते हैं, ये ना बाहर से ऐसा दिखता है लेकिन वो अंदर से वैसा नहीं है, वो कुछ अलग ही पर्सन है। तो ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाले कुछ लोग हमें नजर आते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उनके जो इंटरपर्सनल स्किल है या उनका प्राइमरी पर्सनालिटी है और जो सेकेंडरी पर्सनालिटी जिसे हम इंट्रा पर्सन करके बोलते हैं, वो दोनों पर्सनालिटी की अलग अलग है। इसीलिए वो पर्सन हमें कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं, हमें समझने में तकलीफ होती है उन लोगों को। कई बार दोनों पर्सनालिटी सेम हो सकती है, यानी प्राइमरी पर्सनालिटी जिस तरह का उसका सोचना है सेकेंडरी भी सोचने का तरीका वही हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी अलग हो और सेकेंडरी अलग हो, कौन सा बेस्ट है तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी सब पर्सनालिटी अच्छे होते हैं और किसी भी तरह से हमें लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट होती है, वो अच्छी तरह से हमें समझ लेना होता है और उसी का एडवांटेज लेके हमें आगे बढ़ना भी होता है। तो ये जो पर्सनालिटी वाला पॉइंट्स है ये हमें इस पेज पे नजर आता है। तो समझना है कि प्राइमरी पर्सनालिटीज और सेकेंडरी पर्सनालिटीज क्या है, इसे हम डिस एनालिसिस भी कहते हैं। डी का मतलब डोमिनेंट, आई यानी इन्फ्लुएंशियल, सी यानी कंप्लायंट और यस यानी स्टडी। तो ये जो चारों पर्सनालिटीज है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और ये जो चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर हमें पता है तो हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए, आपको कैंडिडेट्स को किस तरह से आपको समझाना है, उनसे किस तरह से हम काम करवा के ले सकते हैं। ये सब पॉसिबल है तभी जब हम उन्हें उनके पर्सनालिटी अच्छी तरह से समझा पाए। तो फर्स्ट हमें डिक्स एनालिसिस में मिलता है डोमिनेंट। डोमिनेंट पर्सन, यहाँ पे एक पिक्चर दिया होता है जो ईगल का पर्सन, ईगल पिक्चर है, हम इस पर्सन को ईगल पर्सन भी कहते हैं, यानी ईगल पर्सनालिटी। ये जो ईगल होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिन लोगों में मिलते हैं वो लोग होते हैं गोल ओरिएंटेड, विजनरीज होते हैं, उनका रवैया थोड़ा सा बोल्ड होता है, डिटरमाइंड होते हैं और उनमें इनबॉर्न लीडरशिप स्किल होती है। बात करते वक्त बहुत बार रिजिड भी हमें नजर आ सकते हैं, काम में एग्रेसिव होते हैं, उन्हें जो करना है वो कब हम कंप्लीट कर पाते हैं उसके लिए वो हमेशा उनके पीछे लग जाते हैं, यानी एग्रेसिव होते हैं थोड़े से। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत बार रिस्क भी लेते हैं, उन्हें लाइफ में चैलेंज लेना या डायरेक्ट कुछ डिसीजंस लेना, डायरेक्ट एक्शन करना, ये उनकी खासियत होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जो भी उनके दिल में आता है वो कह देते हैं, जो भी कुछ चीजें उन्हें पानी है
वो हमेशा वो चीज पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उन्हें नेचुरल अचीवर भी कहते हैं। जो चाहिए वो पा लेना, यानी गो गेटर एक्टिविटी या गो गेटर पर्सनालिटी भी हम उन्हें बोल सकते हैं। जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उनके ऊपर उन्हें कंट्रोल खुद को चाहिए होता है। हमेशा जो भी दौर है वो खुद के हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। और ऑर्डर देना, कहीं पे भी किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, और कई बार दूसरों के लिए इनसेंसिटिव फील होना, ये सब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन डोमिनेंट पर्सन के बारे में। जब हम इनके शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे तो इन डिटेल्स में डोमिनेंट पर्सन किस तरह से होते हैं और पेरेंट्स को किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है वो देख लेंगे। इसके बाद हमें दूसरी पर्सनालिटी मिलती है, उसे हम इन्फ्लुएंशियल कहेंगे, यानी पिकॉक पर्सन। ये जो मोर रहता है, पिकॉक रहता है, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स हमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल्स होते हैं और बहुत बार कंजर्वेटिव्स भी होते हैं। उनमें हिडन पोटेंशियल बहुत होने की वजह से अगर वो उसे एक्सप्लोर करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता बहुत बार कि उनके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है। उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बनना बहुत ही पसंद आता है। कई बार वो टॉकेटिव हो सकते हैं, हर बार टॉकेटिव रहते ऐसे नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पर्सन बहुत ही बार टॉकेटिव हो सकते हैं। हमेशा बात करते वक्त या फिर कुछ एक्शन लेते वक्त वो डिफेंसिव मोड में रहते हैं, अटैक करने के मोड में नहीं रहते, डिफेंस करने के मोड में हमेशा रहते हैं। और दूसरों लोगों के अगर कुछ एक्ट है या दूसरों लोगों के दूसरे कोई भी पर्सन अच्छा लगता है या टैलेंटेड पर्सन है या दूसरों के बातों की वजह से वो बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, यानी कोई भी पर्सन उन्हें इन्फ्लुएंस इजी तरह से कर सकते हैं। उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, परफॉर्म करने के लिए गाइडलाइंस भी होने चाहिए, कोई गाइडर भी होने चाहिए होता है। बहुत बार अगर कोई कहीं पे भी प्यार नजर आए, लव रिलेशंस नजर आए, तो वहां पे उन्हें तुरंत अच्छा लगता है, वो उसी माहौल में ढाल जाते हैं। उन्हें एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, लव एप्रिसिएशन भी अच्छा लगता है, कोई अच्छे कमेंट्स करे, कोई उन्हें प्रेज करे तो भी उन्हें अच्छा लगता है। अगेन कोई भी चीज में इतने वो पैशनेट हो सकते ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन कई बार अगर कोई अच्छी तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस करे तो वो पैशनेटली भी वर्क कर सकते हैं। और उनमें बहुत सा उत्साह भरा होता है, यानी इंथुजियास्टिक जो एटीट्यूड हम बोलते हैं वो उनमें बहुत अच्छा रहता है। बहुत बार माइक्रो डिटेल्स में जाना उन्हें पसंद नहीं रहता है। ऊपर ऊपर अगर कुछ एनालिसिस करे तो ठीक है, डीप लेवल पे एनालिसिस करना उन्हें पसंद नहीं आता है। मैनेजमेंट के बारे में थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहते हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज बहुत होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस उन्हें बनना पसंद आता है। उसके बाद हमें पर्सनालिटी मिलती है वो कंप्लायंट पर्सन। कंप्लायंट पर्सन यानी यहाँ पे पिक्चर मिलता है आउल का। ये जो पर्सन रहते हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं, फॉल्ट फाइंडर रहते हैं, उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट करना पसंद आता है। छोटी छोटी बातें उनके ध्यान में आती है, मेथोडोलॉजिकल रहते हैं, डिसीजंस लेने में उन्हें शायद ज्यादा वक्त लगे। उन्हें हम परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं, जैसे आमिर खान जैसी पर्सनालिटी कुछ भी चीजें परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कंप्लेंट टाइप ऑफ पर्सन हमेशा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये अगर रिस्क लेते भी है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। इन्वेस्टिगेशन करना उनका नेचर होता है, तो कहीं पे भी अगर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, एनालिसिस करना है तो उन्हें अच्छा लगता है। और जो भी हम करियर बोले, जैसे कंप्लेंट ऑफिसर हो, ऑडिटर हो, जज बनना हो, कहाँ पे भी रैशनल थिंकिंग की जरूरत हो तो कंप्लेंट पर्सन वहां पे हमेशा आगे रहते हैं। डुअल थॉट प्रोसेस रहते हैं, बहुत बार दोनों भी ख्याल आते हैं, प्लस माइनस या ए या फिर बी या वन नंबर या टू नंबर, तो उनके दिल में ये सब कुछ चीजें चलती रहती हैं। वो राइट जॉब करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने लाइफ के लिए वही राइट है कि नहीं, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे कंप्लेंट पर्सन रहते हैं कि जो
बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर रहते हैं या फॉल्ट फाइंडर रहते हैं। उसके बाद हमें डिक्स एनालिसिस में से लास्ट पर्सनालिटी मिलती है स्टडी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। स्टडी टाइप ऑफ पर्सन यानी यहाँ पे पिक्चर मिलता है डव पिचर। ये पर्सन्स रहते हैं पीपल ओरिएंटेड, टीम प्लेयर्स होते हैं, कोऑपरेटिवली वर्क करना विद टीम वर्क करना अच्छा लगता है, सपोर्ट में भी वो अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, काम एंड कूल रहना यानी पीसफुल मोड में रहना, पीसफुल अप्रोच में रहना उन्हें पसंद आता है। उन्हें एक साथ मिलकर काम करने में पूरा भरोसा रहता है। अकेले अकेले काम करने से अच्छा है विद टीम काम करे तो उन्हें पसंद आता है। लाइफ में वो रिस्क लेते हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे रहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हाई लेवल की रिस्क वो कभी नहीं लेते। और हार्ड वर्कर्स होते हैं, बहुत बार किसी भी चीज के वजह से या फिर रिलेशन के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। उन्हें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना या फिर लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना पसंद आता है। कोई अच्छा बोले या कोई सेटिस्फाई हो तो ही वो उनका रिवॉर्ड समझ लेते हैं। उन्हें अगर कुछ चेंजेस करने हैं खुद में तो उनको वक्त लगता है, तुरंत वो चेंजेस नहीं कर पाते, लेकिन फॉर द क्लाइमेट दूसरे लोगों के लिए वो हमेशा फ्लेक्सी रहते हैं। वो दूसरे अच्छे लोगों के लिए गुड फॉलोअर्स भी होते हैं। जहां पे भी डिसीजंस वगैरह लेना है तो डिसीजंस लेने में थोड़ा वक्त ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ मिलके लोगों का डिसीजंस लेके उन्हें डिसीजंस लेने में मजा आता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है जिसे हम स्टडी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम काउंसलिंग्स करते हैं तो हमें ये पेज मिलता है, यहाँ से कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, वो हर एक पर्सन के बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी एज अ काउंसलर्स कभी भी अगर आपके सामने कोई स्टडी टाइप ऑफ पर्सन आता है, कोई डोमिनेंट पर्सन आता है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। डोमिनेटिंग पर्सन कैसे होता है, स्टडी टाइप ऑफ पर्सन कैसे होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैसे होता है, या कंप्लायंट पर्सन कैसे होता है। यानी अगर हम डोमिनेंट पर्सन के बारे में पूछेंगे तो थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होगा, एग्रेसिव होगा, बातें करने में रिजिड होगा, रिलेशन को शायद इग्नोर करे, या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सन में भी टॉकेटिव होगा, उनमें हिडन पोटेंशियल ज्यादा रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करेंगे। कंप्लायंट पर्सन यानी वो हमेशा कंपेरिजन करेगा, एनालिसिस करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, जहां पे भी अगर गलती दिखाई दे तो उन्हें तुरंत वो समझ में आती है। स्टडी टाइप ऑफ पर्सन थोड़े से इमोशनल रहते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, अकेले काम करना पसंद नहीं आता। ये सब चीजें एज अ काउंसिलर्स आपको याद होनी चाहिए। यानी कोई भी पर्सन सामने आता है, आपने पेज सिर्फ देखा उसका नाम की प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, तो वो पर्सनैलिटी आपके ध्यान में आनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर दोनों भी पर्सनालिटी सेम है, प्राइमरी प्राइमरी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टडी है या प्राइमरी और सेकेंडरी डोमिनेटिंग है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे। लेकिन अगर प्राइमरी कुछ अलग है, प्राइमरी स्टडी टाइप ऑफ पर्सन है और सेकेंडरी अगर डोमिनेटिंग है, तो उनके सोच में दोनों भी कॉम्बिनेशन हमें नजर आएंगे। यानी विद द कम्युनिटी विद द सोसाइटी उनका बिहेवियर प्राइमरी पर्सनालिटी के हिसाब से रहेगा, लेकिन खुद के लिए जो सोच है, खुद के लिए काम करने का जो तरीका रहेगा वो सेकेंडरी पर्सनालिटी के हिसाब से रहेगा। तो फिर करियर करते वक्त ये दोनों भी पर्सनालिटी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों पर्सनालिटी के कुछ रोल्स रहते हैं, कुछ पोर्टफोलियोज रहते हैं, यानी उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहते हैं, डोमिनेटिंग एरियाज रहते हैं उनके, तो उसी एरियाज में उनको काम करना चाहिए जो कॉम्बिनेशंस में हमें मिलते हैं। तो एज अ काउंसलर्स हमें दोनों पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है, ताकि हम कैंडिडेट्स को अच्छा इनपुट दे और उसके लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लाए। तो यहाँ पे हम यूएस पर्सनालिटी का एक पार्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद हम शॉर्ट एनालिसिस में जाएंगे, उसका हर एक पार्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।